हेलो बच्चों, मिशन 2023 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अवकलन की जर्नी चालू हो चुकी थी और ये मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को बता दिया था, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक करवा चुका था। और ये वाला मैं बोला था भाई देख लेना ना, ये उधारी चुकाने वाला कंसेप्ट एक्चुअली इसको श्रृंखला नियम बोलते हैं, चैन रूल, ठीक है, चैन रूल बोलते हैं ऐसा। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो में करवाने वाला हूँ, फिर ये टॉपिक खत्म, ये टॉपिक खत्म। बताऊं ये 10 को इसमें हो जाएगा, ये 4 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये ना मैं 10 क्वेश्चन में बताऊं आप लोगों को क्या क्या टॉपिक खत्म कर दिया, बेसिक खत्म कर दिया, पूरा बेसिक खत्म कर दिया, चैन रूल वाला खत्म कर दिया, चैन रूल वाला खत्म कर दूंगा ये पढ़ाते ही, ठीक है। इससे पहले भी चैन रूल पढ़ा दिया हूं, तो चैन रूल वाला खत्म कर दूंगा, श्रृंखला नियम, यू इंटू वी फॉर्मूला वाला खत्म कर दूंगा और यू अपॉन वी फॉर्मूला खत्म कर दूंगा। मतलब जो 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक है, ये 10 क्वेश्चन में मैं खत्म कर दिया, निपटाया नहीं, खत्म किया। निपटाने और खत्म करने में फर्क है, तो इसको ना देखो, आप लोग देखो तो सोचो, 4 टॉपिक अगर 10 क्वेश्चन में, और कि क्या ही बड़े बड़े क्वेश्चन है क्या, अगर आप लोग का एक घंटा में, अगर ये 2 वीडियो, इससे पहले एक बनाया मैं अवकलन में और ये वीडियो, तो दोनों मिला के देखोगे तो 45-50 मिनट के आसपास का वीडियो बना होगा। अगर 50 मिनट के वीडियो में अगर आप लोग 4 टॉपिक खत्म कर डाल रहे हो, 10 क्वेश्चन कर डाल रहे हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और बोलते हो आप लोग कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो, और कैसे दें 4 टॉपिक को, मतलब इतना बड़ा टॉपिक को मस्त इतने में हम लोग समेट के दिया मैं आपको, तो और कैसे छोटा दे बच्चों, मतलब 2 ही क्वेश्चन में कैसे समझा पाऊंगा, ठीक है। तो चलो इधर फोकस। हाँ सर ये दिया है, चलो ठीक है ना सर ये दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। ये क्या दिया है बताऊं, सॉल्व करते हैं। ये दिया क्या है एक्चुअली में, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, डी बाई डी एक्स टेन की घात 2x है। अब मैं तो टेन एक्स का बताया हूं, टेन स्क्वायर का नहीं बताया हूं, याद रखना। जब कभी भी ऐसा होता है त्रिकोणमिति में, तो हमेशा आप लोग डी बाई डी एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, टेन एक्स की घात 2, दोनों का मतलब एक ही है। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री अगर ऐसा आएगा तो ऐसे लिखना, इसमें भी करेंगे। देखो साइन की घात 4 है, तो हम लोग इस 4 को ब्रैकेट के बाहर फेंकेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग करना, अब ध्यान से देखो। अब मैं आप लोगों को क्या फॉर्मूला बताया हूँ, टेन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बताया हूँ, टेन एक्स का फॉर्मूला बताया हूँ। और यहाँ पे तो टेन एक्स स्क्वायर है, तब कैसे करें, तब सिंपल है ना, एक्स मानो, इसको क्या करो, एक्स मानो, तो क्या फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया। एक्स माना तो कौन सा फॉर्मूला बन गया, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला बन गया, इसको मैं एक्स मान लिया, तो क्या बन गया, मैं एक्स स्क्वायर हो गया। और हम लोग को ये फॉर्मूला मालूम है, चूंकि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो ये है एक्स, ये है एक्स, तो एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो एन सामने आ जाता है 2। अब x नहीं लिखूंगा, जिसको x माना हूं उसको लिखूंगा, किसको x माना हूं, tan x, फिर क्या होता है, घात में n माइनस वन, n क्या है 2 माइनस वन इंटू, अभी अब उधारी चुकाने की बारी, उधारी कैसे चुकाते हैं, जिसको x मानते हैं उसको फिर से डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, tan x को मैं फिर से डिफ्रेंसिएशन कर दूंगा, tan x को मैं फिर से डिफ्रेंसिएशन कर दूंगा, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 2 tan x, 2 में 1 गया 1, तो ऐसे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अरे x की पावर 1 या x बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। ये क्या हो गया, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, अब टेन एक्स का फॉर्मूला लिखाया हूं, ध्यान से देखना, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, ये है मेरा आंसर, ये देखो। अब बताओ क्या दिक्कत है, अब ये क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है आप लोग ध्यान से जो देख रहे होगे, ये जो क्वेश्चन है अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्या मैं अगर आप लोग को यही क्वेश्चन करवाता, पहले का नहीं बताता, तो आप लोग समझ जाते क्या, इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ मैथमेटिक्स, ठीक है, बेसिक से इसलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखो उसको करेंगे, चलो अब इसको करते हैं सॉल्व, ये मैं किया सॉल्व, डी बाई डी एक्स, मैं बोला जब कभी भी ऐसा रहता है ना, तो इसको क्या किया करो, बाहर फेंको, ये है साइन 3x-5, ये जो पावर यहां पे है ना, इसको इधर फेंक दो, हाँ भाई कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को साइन x का फॉर्मूला मालूम है यार, साइन 3x-5
कि घात चार का फॉर्मूला मालूम नहीं है, तो क्या करें? सर आपको x की पावर 4 का तो मालूम है ना, x की पावर 4 का तो मालूम है हम लोग को, तो इसको x मान लो, इसको x मान लो, इस पूरे को क्या मान लो, x मान लो। अब क्या बन गया ये, अब क्या बन गया ये, अब क्या बन गया बताओ, अब क्या बन गया ये, अब क्या बन गया ये, x की पावर 4 बन गया, x की पावर 4 बन गया, इसको मैं x मान लिया पूरा, तो x की पावर 4 बन गया। अब x की पावर 4 में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, n की वैल्यू 4 है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, x की पावर 4, तो ये 4 सामने आ जाएगा, n सामने आ जाता है, इनटू x की पावर 4 माइनस 1 होगी, x नहीं लिखूंगा, जिसको x माना हूं उसको लिखूंगा, किसको x माना हूं मैं, साइन साइन 3x माइनस 5, ये इसको x माना। फिर क्या करते हैं घात में n माइनस 1, n क्या है 4, 4 माइनस 1 क्या होगा, 4 माइनस 1 3 डायरेक्ट लिख रहा हूं, 4 माइनस 1 3 इंटू गुणा करेंगे। अब क्या करूं, उधारी चुकाऊंगा, तो उधारी कैसे चुकाते हैं, जिसको x माने उसको डिफरेंशिएशन कर दो, जिसको x माने उसको डिफरेंशिएशन कर दो, ये साइन 3x माइनस 5 को मैं x माना था, ये हो गया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितना करा रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, बस मैं ऐसे लिखता नहीं हूं कि 2020 में आया 2019 में आया, ऐसा नहीं करता, ठीक है, क्योंकि कई कई क्वेश्चन खुद का बनाया हुआ होता है, और कई कई क्वेश्चन नहीं आया होता है लेकिन वो जरूरी होता है, इसलिए मैं किसी में नहीं लिखाता कि ये आया है, ये आया है, ये आया है। हाँ, बट इतना मैं श्योरिटी दे सकता हूं कि जो करा रहा हूं उसको आप करोगे और पिछले 5 साल के पेपर कर लोगे तो आप लोग टॉप मारोगे, ये हो गया। अब यहां पे मैं क्या किया, ये लिखा 4 साइन 3x माइनस 5 की पावर, ये साइन की पावर 3, ठीक। अब इसमें फिर दिक्कत आ गया, एक बात बताओ यार मेरे को, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो साइन 3x माइनस 5 का फॉर्मूला ही नहीं बताया हूं मैं, साइन x का फॉर्मूला बताया हूं, साइन x का फॉर्मूला बताया हूं, अगर साइन x होता तो मैं फॉर्मूला डाल देता, cos x हो जाता, तो फॉर्मूला में आने के लिए कौन नहीं दे रहा है, फॉर्मूला में आने के लिए लफड़ा कौन कर रहा है, सर लफड़ा ना ये कर रहा है, अगर ये x बस होता ना सर तो हम लोग क्या करते, प्यार से ना साइन x का फॉर्मूला लगा देते, लेकिन ना सर ये 3x माइनस 5 बकर कर रहा है, तो अगर ये लफड़ा कर रहा है ना तो उसको x मान लो, x मान लो, देखो दो दो बार चैन रूल लगा, x मान लो, तो इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखते रहना, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, इसको x माना मैं, तो साइन x, साइन x का फॉर्मूला होता है cos x, x की जगह वो लिखूंगा जिसको मैं मार रहा हूं, ये 3x माइनस 5, ये देखो साइन x का हो गया cos x, x की जगह उसको रखा जिसको x माना, अब फिर उधारी चुकाएंगे, फिर उधारी चुकाएंगे क्योंकि x तो है ही नहीं, अब उधारी चुकाने के लिए क्या करते हैं, गुणा, जिसको x माने उसका डिफरेंशिएशन, जिसको x माना हूं उसका डिफरेंशिएशन, 3x माइनस 5 हो गया, अब आंसर आ गया, ये देखो 4, ये हो गया साइन, इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है 3x माइनस 5, ठीक है इसको बाहर फेंका था, यहां पे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई, इनटू cos 3x माइनस 5 इनटू, अब डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो 3x का क्या होगा, 3 होगा क्योंकि 3 बाहर निकल जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा, dx by dx आएगा उसका 1 होता है, माइनस d by dx 5 का कितना होगा, 5 तो अचर है सर, 0 हो जाएगा, 3 गुणा 1 3, 3 माइनस 0 3, 3 को सामने लिख लेता हूं तो क्या होगा, 4 गुणा 3 12 हो जाएगा, ये 12, तो हमेशा ना आप लोग जो रहता है ना नंबर उसको सामने लिखा करो, ठीक है, और फिर ट्रिग्नोमेट्री टर्म को बाद में लिखा करो, तो 4 गुणा 3 12 हो गया, तो साइन की घात 3 3x 3x माइनस 5 इंटू कॉस 3x माइनस 5, ये मेरा हो गया आंसर भाई, ये हो गया आंसर। तो देखो दो दो चैन रूल लगा, अब आप मेरे को ये बताओ यार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, परम प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मांगते हो, अगर मैं ये क्वेश्चन दे देता तो क्या आप लोग चैन रूल से इसको बना पाते, नहीं, पीछे का पहले आप समझोगे तभी तो आगे का बना पाओगे ना, है ना, तो तेज भागने से पहले ना चलना सीखना पड़ता है, इसलिए मैं पहले के वीडियो में चलना सिखाता हूँ और बाद के वीडियो में भागना सिखाता हूँ और बाद के वीडियो में और तेज भागना सिखाता हूँ,
सो ये हो गया गणित ना, और जैसा मतलब और सब्जेक्ट जैसा नहीं है, गणित में प्रैक्टिस मांगता है भाई, प्रैक्टिस मांगता है, इसीलिए तो गणित मतलब गणित है ना। तो चलो ये आप ये ध्यान से देखो, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा यू इंटू वी वाला, तो अब मैं ध्यान से देखो, यहाँ पे ना एक्स के दो दो फलन है, ये तो एक एक्स का वेरिएबल हो गया, और ये भी देखो एक एक्स का वेरिएबल हो गया, इससे पहले एक्स के दो दो वेरिएबल नहीं आए। देख लो इसमें एक्स का सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है टेन, इसमें भी एक ही है साइन, आप लोग इससे पहले वाला में भी देखो, इसमें भी देखो साइन के पास बस एक्स है, साइन और ये थीटा है ना यहाँ पे जो होता है, तो साइन के पास ही है, ये जो 4x प्लस 5 है वो साइन का ही हक है उसके में। ये देखो इसमें भी एक ही है फलन x का, देखो cos x स्क्वायर, cos के पास ही x है और किसी के पास x नहीं है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो x के पास भी x है और tan के पास भी x है, ऐसा मान के चलो, तो दो दो फलन हो गए x वाले, तब u इंटू वी लगता है। तो u इंटू वी का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, d बाय डी एक्स u इंटू वी का फॉर्मूला, क्या u इंटू वी सब बता रहा हूँ, इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, u को ऐसे लिख दो, v का डिफ्रेंसिएशन कर दो x के सापेक्ष, चूँकि यहाँ x लिखे, फिर प्लस डालो, अभी किसको डिफ्रेंसिएशन करे हो, v को करे हो, तो v को ऐसे लिख दो, किसको ऐसे लिखे तो u को, तो u का डिफ्रेंसिएशन कर दो, ये लो ये हो गया फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट। तो क्या हो गया u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, u को ऐसे रख दो v को डिफरेंशिएशन, प्लस v को ऐसे रख दो u का डिफरेंशिएशन। ये कब के केस में होता है, जब दो हमारे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो दो x के फलन हो, मतलब ये भी कोई x का फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ x होगा, ये भी क्या होगा फंक्शन ऑफ x होगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये भी x हमारा फंक्शन है, यहाँ पे भी x टर्म वाला हमारा फंक्शन है, पहली बात क्लियर, ठीक। अब दूसरा है u किसको लें और v किसको लें, इसकी भी शर्त है u किसको लें और v किसको लें, जो पहला है जरूरी नहीं वो u हो, ठीक है, u ये भी हो सकता है, तो u किसको लें और v किसको लें इसका भी शर्त है। तो आप लोग u किसको लेना, आईलेट, ये याद रखना ILATE आईलेट, तो u किसको लेना है, आई होता है इनवर्स यानी कि प्रतिलोम, आप लोग लिखो, चलो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग लिखोगे प्रतिलोम, ठीक है, इनवर्स सबसे पहले अगर प्रतिलोम दिखा, इनवर्स वाला ऐसा वाला, ये सॉरी ये ऐसा इनवर्स वाला दिखा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन, तो उसको आप लोग यू ले लेना। अगर ये नहीं दिखा तो L का मतलब log, log वाली टर्म दिखी तो आप लोग उसको U ले लेना, इसका मतलब होता है एलजेब्रा बीजगणित, यानी कि अगर X, Y, Z कुछ दिख रहा है तो उसको U लेंगे हम लोग। ये होता है T, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति, तो यहाँ पे अगर आएगा साइन X, cos X, tan X, cos X, cos X, देखो ये इनवर्स है और वो इनवर्स नहीं है, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, वो त्रिकोणमिति है, ठीक है। यहाँ पे अलजेब्रा में अभी x ही रहने दो क्योंकि x के टर्म में मैं कर रहा हूँ, ये लो, ठीक है। e मतलब एक्सपोनेंशियल, e की घात वाला अगर कुछ आएगा ना तो उसको लेना है एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल को और अच्छे से मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इसको जो पहले आया उसको यू लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले देखो प्रतिलोम वाला आ रहा है क्या, इसमें है क्या प्रतिलोम, प्रतिलोम नहीं है, आगे बढ़ो। लॉग वाला आ रहा है क्या, लॉग वाला नहीं है, आगे बढ़ो। एलजेब्रा, एक्स वाला टर्म दिख रहा है क्या एलजेब्रा, हाँ सिर्फ एक्स वाला दिख रहा है, तो इसको यू लेंगे, जो पहले दिख गया यू। उसके बाद देखो त्रिकोणमिति है, साइन कॉस टेन कॉट एक कॉस एक, वो त्रिकोणमिति, तो पहले क्या आया एलजेब्रा आया, तो उसको यू लेंगे, तो यू क्या होगा एक्स स्क्वायर और वी क्या होगा टेन एक्स, तो जो पहले आएगा उसको यू लेंगे, जो बाद में आएगा उसको वी लेंगे, क्लियर है क्या। अगर ऐसे रहता, मान लो अगर मैं बोला आपको डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स, तब क्या करते यू किसको लेते, देखो प्रतिलोम वाला है क्या, हाँ प्रतिलोम वाला है, तो ये u हो गया, अब ये ऑब्वियसली v हो जाएगा। तो मेरे को ये एक बात बताओ,
ध्यान से देखो, डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स, ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं डी बाई डी एक्स एक्स इंटू लॉग बेस ई एक्स, इसमें यू और वी बताओ क्या होगा, यू प्रतिलोम है क्या, प्रतिलोम तो नहीं है, फिर लॉग वाला है क्या, हाँ लॉग वाला है, तो ये वाला टर्म यू होगा, ये वाला टर्म यू है, ये वाला टर्म यू है और ये वाला टर्म वी है, पहले कौन आया, पहले लॉग वाला आया, तो इसको अरेंज करके लिख लेना, अरेंज करके लिख लेना, इसको यू ले लेना, यू की जगह हम लिख लो इंटू वी कर देना, क्लियर है क्या, तो यू और वी आप लोग लेना सीखे। ध्यान से देखो, अब यू और वी हो गया, आप फॉर्मूला लगा रहा हूं, फॉर्मूला कैसे लगता है, सबसे पहले क्या करते हैं, यू को एज इट इज लिख दो, यू क्या है एक्स स्क्वायर, फिर किसको डिफरेंशिएशन करते हैं, वी को, वी क्या है टेन एक्स, टेन एक्स प्लस, फिर वी को ऐसे लिख दो, वी को ऐसे लिख दो, फिर किसको डिफरेंशिएशन करता हूं, यू को, यू क्या है एक्स स्क्वायर, क्लियर है क्या, अब क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर, टेन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर, एक रटर रहना चाहिए, इसीलिए पहले ही क्लास के मैं आप लोगों को मैं बता दिया, प्लस टेन एक्स का टेन एक्स, टेन एक्स का टेन एक्स, अब बताओ एक्स स्क्वायर का क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ टू एक्स होता है, क्या आप लोगों को पता है कि एक्स स्क्वायर का टू एक्स होता है, अरे भाई एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा भाई, लिख दो, चूंकि चूंकि डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये यहाँ पर से देख लो, ये हो गया ठीक, इसको ऐसा कर दो, ये इसको ऐसा कर दो, ये गजब यार, ये वही वाला फॉर्मूला लगाया, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाया, देखो एक्स स्क्वायर का टू एक्स आएगा, तो इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं अब प्यार से, ये हो गया एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस, इसको पहले लिखा करो नंबर वाला, टू एक्स टेन एक्स, ये हो गया यार मेरा आंसर, ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया मेरा आंसर, देखो ये हो गया मेरा आंसर, अब इसमें क्या दिक्कत है, तो ये आप लोग को, यह आप लोग को मालूम था क्या, क्या ये आप लोग को मालूम था क्या, ठीक है, एक्सपोनेंशियल एक ही घात वाला होता है, तो प्रतिलोम लॉग अलजेब्रिक टर्म, हाँ त्रिकोणमिति एक्सपोनेंशियल, ये पूरा मैं बताया आप लोग को, यू और वी किसको लेना है, तो एक और मैं अगर आप लोग को टेस्ट लूँ, ऐसे ही मेरा मन कर रहा है टेस्ट लेने का, अगर मैं ऐसा दे देता, मान लो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे ऐसा करता हूँ मैं, इसको लिखता हूँ साइन एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, अब देखो भाई इसका डिफरेंशिएशन हुआ कि नहीं, कि कितना लंबा जाएगा वो मेरे को अभी नहीं मालूम, मेरे को यू और वी बस बताओ, इसमें यू और वी बताओ, तो यू क्या होगा, तो देखो पहले क्या आ रहा है, इनवर्स वाला, इनवर्स वाला है क्या, अरे इनवर्स वाला है मतलब ये यू है, ये यू है, साइन इनवर्स एक्स यू है, और बाद वाला तो बाय डिफॉल्ट वी हो जाएगा, ये हो जाएगा वी, तो इसको अरेंज करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स, यू को पहले लिख लो यार, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स ऑफ ए साइन एक्स, क्लियर है क्या, क्लियर है, देखो कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो एक मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, यू और वी बताना है आप लोग को, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ठीक है, एक्सपोनेंशियल होता है ई की पावर वाला, ई की पावर वाला, ई की पावर, तो ई की पावर तो कुछ भी कर देते हैं, ई की पावर एक्स, तो आप लोग को इसमें से आप लोग का होमवर्क है कि यू क्या होगा बताना है और वी क्या होगा बताना है, बस फिर ऐसे हो जाएगा, तो जब दो फंक्शन गुणा में हो तो ये वाला सूत्र लगेगा, कब, जब दो फंक्शन गुणा में हो, दो x के फंक्शन गुणा में हो, अब यहां पे देखो दो ठो x के फंक्शन भाग में, तब कौन सा सूत्र लगेगा, यहां पे वाला सूत्र लगेगा, देखो d बाई डी एक्स यू अपॉन वी, यू अपॉन वी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नीचे पहले तो बटे करके नीचे वाले का स्क्वायर कर लो, बटे करके नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, अब नीचे वाले को ऐसी लिख दो, नीचे वाले को ऐसी लिख दो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, फिर माइनस डालो, माइनस डालो, अब ऊपर वाले को ऐसी लिख दो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो, तो यार ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया भाई फॉर्मूला, क्या किया मैम, पहले तो एक बटे किस दो और नीचे वाले का स्क्वायर कर दो,
फिर नीचे वाला ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला हो गया। कब के केस में लगाऊंगा? जब मेरा दो फलन हो, एक ऊपर में और एक नीचे में, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। जब भाग में हो दो एक्स के फंक्शन, जब दो एक्स के फंक्शन गुणा में हो तो u इंटू वी वाला लगाऊंगा, गुणा वाला, जब दोनों गुणा में होते। देखो दोनों गुणा में, अब लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहे हैं? दोनों भाग में दिख रहे हैं। देखो x के जो फंक्शन है वो भाग में दिख रहे हैं, तो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। अब इसमें u किसको माने, v किसको माने, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला नीचे वाला करेंगे हम। अब यहाँ पे क्या मैं लिखा, पहले तो मैं बटे लिख दिया, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, ये लो। फिर क्या, नीचे वाला, ये नीचे वाला, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन साइन थ्री एक्स, फिर माइनस ऊपर वाला इसी लिख दो, ये प्रैक्टिस से आएगा, ऊपर वाला इसी लिख दो, और फिर नीचे वाले का क्या डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। अब इसमें चैन रूल लगेगा, श्रृंखला रूल, ध्यान से देखना। ये हो गया सर कॉस टू एक्स, सर आपने साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला नहीं बताया, साइन एक्स का फॉर्मूला बताया हो, तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसको एक्स मान लेंगे, तो साइन एक्स का सर हो जाएगा कॉस एक्स, लेकिन एक्स की जगह उसको लिखेंगे जिसको माने। अब क्या करेंगे सर, उधारी चुकाएंगे, जिसको एक्स माने उसका फिर से सर डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये लो सर, ये हो गया सर। अब ये माइनस माइनस, ये हो गया साइन थ्री एक्स, सर साइन थ्री एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन, सर आपने कॉस टू एक्स का फॉर्मूला नहीं बताया, सर कॉस एक्स का फॉर्मूला बताया हो सर, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ, तो माइनस और माइनस प्लस कर दूँ, यहाँ पे माइनस लिखूंगा ना, तो ये माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस लिख रहा हूँ, तो कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो ये लिखा मैं साइन एक्स, किसको लिखूंगा, जिसको एक्स मान रहा हूँ, ये हो गया टू एक्स। अब क्या करूँगा, उधारी चुकाऊंगा जिसको एक्स माना हूँ, तो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स किसको एक्स माना हूँ, टू एक्स को माना हूँ, तो ये टू एक्स हो गया आंसर। ये देखो अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉस टू एक्स का होल स्क्वायर, ये अब हो गया यार, हो गया मेरा तो आंसर आ गया। ये हो जाएगा कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स, ये तीन बाहर चले जाएगा, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ थ्री एक्स का, तो तीन बाहर चले जाएगा, तीन बाहर चला गया, ये तीन बाहर चला गया, तो क्या बचा, डी एक्स बाई डी एक्स उसका होता है वन होता है, ये प्लस ये साइन थ्री एक्स, साइन थ्री एक्स, ये हो जाएगा साइन टू एक्स, साइन टू एक्स। अब देखो यहाँ से टू बाहर हो जाएगा, टू बाहर हो गया, तो डी एक्स बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, इन टू वन, बटे में कॉस टू एक्स का स्क्वायर हो गया। अब इसको भाई सॉल्व करके लिखना है, नंबर वाले को पहले लिखेंगे, अब ये आप करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस तीन गुणा एक क्या होगा, तीन, तो तीन को सामने लिख दो, तो क्या हो जाएगा, थ्री कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स, प्लस ये टू इंटू वन क्या होगा, टू, तो टू को सामने रख लो, टू साइन थ्री एक्स इंटू साइन टू एक्स बटे कॉस टू एक्स की घात दो, तो ये दस क्वेश्चन हुआ। ये दस क्वेश्चन आप लोग करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलता हूँ बच्चों नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।